सुपर पावर बनने का जुनून चीन पर इस कदर सवार है कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। दुनिया भर से उसने जंग छेड़ रखी है और ताकत हासिल करने के लिए उसने दशकों से दुनिया में हथियारों और गोला बारूद की होड़ लगा रखी है। इस होड़ में जब वो पीछे होने लगा तो उसने चोरी और पायरेसी का सहारा लेना शुरू कर दिया, साथ ही मीडिया के जरिए झूठा शक्ति प्रदर्शन कर दादागिरी भी दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन उसका ये पैंतरा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। अब चीन जैसे ही अपनी ताकत का दम दिखाता है, दूसरे ही पल उसका सच सामने आ जाता है। सच उसके झूठे शक्ति प्रदर्शन का, सच उसके वेपनोलॉजी का, जो कट कॉपी और पेस्ट वाली टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। इसी पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। पहले कोरोना संकट, उसके बाद साउथ चाइना सी में अमेरिका से तनाव और फिर एलएसी पर हिंदुस्तान से विवाद। हर तरफ जंग के हालात पैदा करने के बाद ड्रैगन ने हाल में ही बड़ा ऐलान किया, अपने हथियारों की नुमाइश का, घातक वेपन्स के शक्ति प्रदर्शन का, और इसी कड़ी में पीएलए की रॉकेट रूप ने मिसाइल टेस्ट का ऐलान किया। चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स में पीएलए की बिना पर यह दावा किया गया, जल्द ही चीन DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेगा। बुझाई मिसाइल टेस्ट साइट से इसका परीक्षण किया जाएगा। DF-21 मिसाइल की मारक क्षमता 2200 किलोमीटर तक है। खैर, मिसाइल टेस्ट करना चीन जैसे मुल्क के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मिसाइल टेस्ट के साथ साथ चीनी मीडिया ने ड्रैगन की सेना, उसकी ताकत और हथियारों को लेकर जो दावा किया वो हैरान करने वाला था। मसलन, चीनी मीडिया ने पहला दावा किया कि चीनी नौसेना की तरह पीएलए भी जमीनी जंग में शक्तिशाली हुई है। दूसरा दावा कि चीन की वायुसेना दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। तीसरा दावा कि चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों से भिड़ने का दम किसी में नहीं है। चौथा दावा कि चीन का J-20 स्टेल्थ फाइटर दुनिया का सबसे घातक लड़ाका है। जिस तरह से चीनी मीडिया ने अपनी वायुसेना और थल सेना की ताकत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, असल में ड्रैगन का यह सफेद झूठ है, छद्म है, दिखावा है। क्योंकि भले ही चीनी मीडिया दुनिया के सामने हवा हवाई दावे क्यों न करे, लेकिन हकीकत यही है कि जिस वायुसेना और लड़ाकू विमानों को चीन अपना सबसे बड़ा प्राइड मानता है, जिन्हें पीएलए की रीढ़ मानता है, दरअसल जिनपिंग के ये फाइटर आसमानी सिकंदर नहीं बल्कि सबसे बड़े लूजर हैं, कबाड़ हैं, फुस्सी हैं। इस वक्त चीन के पास चेंगदू J-20, J-17, J-10 और J-7 लड़ाकू विमान हैं। इनके अलावा चीन की वायुसेना में रूसी फाइटर सुखोई 27, सुखोई 30 MKK और सुखोई 35S हैं। अब तक चीन रूस से लड़ाकू विमान खरीदता था और उनका नाम बदलकर अपने आप को शक्तिशाली बताता था, लेकिन चेंगदू J-20 को चीन ने अपने मुल्क में बनाया है। इसलिए चीन ने पूरी दुनिया के सामने J-20 लड़ाकू विमान का हवा बनाकर रखा है। उसे लगता है कि इस लड़ाकू विमान से सीधे लड़ने का दम किसी में नहीं है। ड्रैगन कहता है कि उसका ये फाइटर किसी भी मुल्क में बारूदी बवंडर ला सकता है। आखिर क्यों, आप खुद देखिए, चीन की एयरफोर्स में सबसे घातक बताए जाने वाला चेंगदू J-20 सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। चीन दावा करता है कि J-20 पांचवीं पीढ़ी का स्ट्रेल्थ लड़ाकू विमान है। चेंगदू J-20 लड़ाकू विमान की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दावा यह भी है कि चेंगदू J-20 को कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। चीन का यह लड़ाकू विमान मिसाइल लेजर गाइडेड बम से लैस है। ये फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमला कर सकता है। इस वक्त चीन की वायुसेना में 50 J-20 लड़ाकू विमान मौजूद है। ये लड़ाकू विमान छोटी एटमी मिसाइल दागने की भी ताकत रखता है। चीन अपने लड़ाकू विमान को रफ्तार और ताकत के मामले में F-35 के बराबर मानता है। इतना ही नहीं, चीनी मीडिया राफेल और F-22 जैसे खूंखार फाइटर से J-20 को शक्तिशाली बताता है, लेकिन इस फाइटर प्लेन को लेकर पूरी दुनिया में सस्पेंस है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें फीचर तो ठीक है, लेकिन ये अमेरिका के F-35, F-22 और राफेल जैसे फाइटर जेट का सामना कर पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है।
चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग के इस कार्य में 1960 से ही लगा हुआ है और रिवर्स इंजीनियरिंग की करने की प्रक्रिया में चाइना ने अनेकों टेक्नोलॉजीज को कॉपी किया, जिसमें कि फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, मिसाइल्स शामिल हैं, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। चाइना के अनेक जो शिप हैं वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाए गए हैं। चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर की तकनीक भी चोरी करके तैयार की गई है। यकीन नहीं हो तो आप इस एनिमेशन के जरिए समझिए। अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 रैप्टर है, वहीं इसके ठीक पास में खड़ा है अमेरिका का एडवांस और दुनिया का सबसे महंगा फाइटर F-35 ड्रैगन। पर आरोप लगता है कि चीनी डिफेंस ने इन दोनों विमानों की टेक्नोलॉजी को चुराकर अपना नया स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया है और इसी का नाम चेंगदू J-20 रख दिया है। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर काम करता है, यानी पहले वो हथियारों को खरीदता है, फिर उन हथियारों में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करता है और फिर उन्हें अपने नाम का टैग लगाकर बेच देता है। ऐसा ही उसने पाकिस्तान के साथ किया। J-17 फाइटर जेट की तकनीक उसने रूस से खरीदी, फिर उसे JF-17 के नाम से पाकिस्तान को बेच दिया। आज पाकिस्तान JF-17 के एक एक अदद पुर्जे के लिए चीन के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। चीन ने जो भी निर्माण कार्य किए हैं उसकी एफिकेसी पर हमेशा सवालिया निशान खड़े होते हैं। जाहिर है कि चोरी किए हुए जो टेक्नोलॉजी के आधार पर जो भी वेपन सिस्टम बनाया जाएगा उसकी एफिकेसी, उसके ऊपर हमेशा एक संदेह बना रहता है। चाइना स्वयं भी इसको लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं होगा और जाहिर है कि चाइना ने कोई बड़ा युद्ध लड़ा भी नहीं है, इसी वजह से इन हथियारों की क्षमताओं पर हमेशा से सवालिया निशान खड़े रहते हैं। पाकिस्तान चीन के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। पाकिस्तान के करीब 47% हथियार चीन से खरीदे गए हैं। इसके बाद बांग्लादेश और थाईलैंड वो मुल्क हैं जो ड्रैगन के ग्राहक हैं, लेकिन इन मुल्कों ने चीन से जो भी हथियार खरीदे हैं वो फुस्सी हैं और कबाड़ हैं। तो आप भी अंदाजा लगा लीजिए कि चीनी मीडिया अपनी सेना को लेकर जो दावे करता है, जो डींगे हांकता है, उनमें कितना दम है।